ओके सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस बेसिकली आज की इस वीडियो में हम एक एंसलाइट कंपनी की नैनो प्लस ब्रांड न्यू टॉर्च की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। यस गाइस, एक कुछ टॉर्च का बॉक्स इस प्रकार का दिखता है। अगर आपको एक टॉर्च खरीदनी है, बेस्ट टॉर्च, एक बेसिकली टू इन वन टॉर्च होने वाली, नेक्स्ट लेवल टॉर्च होने वाली, 1 किलोमीटर फोकस होने वाला है। तो अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस बैक टू पॉइंट चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी ब्रांड ने एसलाइट कंपनी के नैनो प्लस टॉर्च की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सो गाइस फर्स्ट अपन ए मुझे पर्सनली इस कंपनी बहुत ही नेक्स्ट लेवल का ट्रस्ट है। यस गाइस, ये कंपनी जो टॉर्च बनाती है वो पूरी नेक्स्ट लेवल टॉर्च बनाती है। यस गाइस, अगर आप ये टॉर्च खरीद लो तो गाइस अराउंड 5 to 6 ईयर आपको कुछ भी नहीं होगा। यस गाइस, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो 10 ईयर से बैटरी यूज करते हैं। एसलाइट कंपनी की बैटरीज 10 ईयर्स भी यूज करते हैं लोग। इस पे से ही मुझे इस कंपनी बहुत ही नेक्स्ट लेवल ट्रस्ट हो चुका है। प्लस गाइस पूरी ब्रांडेड कंपनी होने वाली, प्लस पूरी इंडियन कंपनी होने वाली है। यस गाइस, बहुत अच्छी ये बात है कि पूरी इंडियन कंपनी होने वाली, मेड इन इंडिया टॉर्च होने वाली है। यस गाइस, नेक्स्ट लेवल टॉर्च होने वाली है। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन फॉर आवर अनबॉक्सिंग। तो सिंपली ये सील आती है, सील को मैंने ब्रेक कर दिया है। सील को मैंने ब्रेक करके इसके अंदर से मैं निकाल देता हूँ हमारा ब्रांड न्यू प्रोडक्ट। ये चार्जर होने वाला है और कई आप देख चुके होंगे, प्लस एक लैंप होने वाला है। जैसे लैंप इसका भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो गाइस सबसे पहले यार उन्होंने हमारा ब्रांड न्यू टॉर्च। यस गाइस, प्लस इसके अंदर क्या क्या हुआ है, 2 फ्यूज आई हुई है, 1 कैप आई है और इसके अंदर एक यूजर गाइड मैनुअल आया हुआ है। यूजर गाइड मैनुअल आया हुआ है। सो गाइस बेसिकली इसके अंदर तो यूनिक फीचर्स लिखे हुए, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन लिखे हुए, बैटरी मेंटेनेंस लिखे है, क्लीनिंग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो एलईडी 3.3 वाट, 500 mAh पावर कंजप्शन, मैक्स 2W ल्यूमिनस फ्लिक्स, 120 IMW बैटरी, 4V 4.5 SMF लीड एसिड इंडिकेटर, एलईडी ऑन चार्जिंग, चार्जिंग टाइम 8 to 10 hours। थैंक यू फॉर परचेसिंग द एंसलाइट रिचार्जेबल सोलर एलईडी, बिफोर यूजिंग यू मस्ट चार्ज इट एटलीस्ट 8 to 10 hours। यूजर मैनुअल का तो हमको यूज नहीं होने वाला क्योंकि वी हैव द ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉर्च। तो वैसे फिर इसको मैं बाजू में कर देता हूँ। गाइस सो गाइस सबसे पहले मैं कहूँगा आपको इसके थोड़े से स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया है, फिर इसके लिए थोड़े से हम इस टॉर्च के बारे में जान लेते हैं। सो गाइस ये इसके लिए एसलाइट कंपनी की टॉर्च होने वाली है। इसका फुल नेम होने वाला है नैनो प्लस। क्या होने वाला है, नैनो प्लस का फुल नेम होने वाला है। सो गाइस आपको नैनो और नैनो प्लस में मतलब डिफरेंस क्या है, मैंने तो नैनो की भी अनबॉक्सिंग कर दी। अगर आपको नैनो की अनबॉक्सिंग देखनी है तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाकर देख सकते हो। ए वीडियो होने के बाद आपको मैं नैनो और नैनो प्लस का डिफरेंस भी समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं नैनो प्लस के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ आपको कि किसके लिए है। आपको एंड्रॉइड कंपनी का स्टडी लैंप तो पता होगा। अभी आप पूछोगे स्टडी लैंप का और इसका क्या रिलेशन है। सो गाइस बेसिकली जो स्टडी लैंप है ना उसके अंदर 50% इतना आता है। यस गाइस, जो आप देख रहे हो उसके अंदर इतना आता है और वो थोड़ी सी बड़ी बैटरी होती है, रिचार्जेबल बैटरी है, टॉर्च मतलब उसके अंदर सेल का भी ऑप्शन होता है। उसका एक नेम बाबुला होता है और एक कैलेस्टर नाम होता है। स्टडी लैंप के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसका उसका रिलेशन क्या है वो आपको स्पेसिफिक स्टडी लैंप आती है। सिर्फ स्टडी लैंप के अंदर आपको ये मिलता है। गाइस वो आपको मैं आपको दिखा देता हूँ स्टडी लैंप किस कहते हैं। इसको स्टडी लैंप कहते हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर सिर्फ इतना आया है ऊपर का और नीचे की जो बॉडी होती है वो एक्स्ट्रा होती है। लेकिन अभी नैनो प्लस के अंदर क्या किया है कंपनी ने, 2-in-1 बैटरी कर दी। इसे आप आगे भी देख सकते हो, प्लस अपने घर के लिए स्टडी के लिए यूज कर सकते हो। लाइक अगर आप डिनर कर रहे हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। सिंपली ये बाजू पीछे के बाजू में यूएसबी है गाइस, प्लस ये भी यूएसबी के अंदर बैठेगी। सिंपली हमको इसके इस प्रकार से डालना है और गाइस ये स्टडी लैंप हमारा बन गया। यस गाइस 2-in-1 होने वाली है। होप गाइस आपको ऑफकोर्स आप देख सकते हो ये पूरा 360 डिग्री रोटेटेबल है। इसके अंदर पूरा 360 डिग्री है, ये आप किधर था उधर घुमा सकते हो इसके अंदर। और ये प्लस इसके अंदर चार्जर आता हुआ है, पूरा एसलाइट की ब्रांडिंग आता है। मॉडल होने वाला है DC4 होने वाला, इनपुट 230 वाट होने वाला है, 50 हर्ट्ज का, 14 mAh होने वाला, आउटपुट 7.5 VDC, 750 mA, मेड इन इंडिया एंसलाइट के साथ आता है। प्लस अभी इंडिया का लोगो दिया हुआ है, प्लस अभी एलईडी भी है, स्मॉल एलईडी भी है। प्लस आप अभी चार्ज कास्ट करेंगे तो चार्जर दिया हुआ है। होप गाइस आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सो गाइस यहाँ सबसे पहले आपको एक फ्यूज दिख रही होगी और उसके नीचे चार्जर दिख रहा है। जो बड़ा फ्यूज का मतलब होल दिख रहा है वो फ्यूज है और उसके नीचे का चार्जर होने वाला है। तो सिंपली मैं आपको चार्जर जॉइंट करके दिखा देता हूँ। इस गाइस अभी चार्जर जॉइंट हो चुका है और गाइस ये इतनी सी फ्यूज आई हुई है। इस गाइस फ्यूज आई हुई है विद कैप
इसका सर्विस के लिए दो सुविधा होती है, एक एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, मतलब एक खराब हो गई तो आप दूसरे भी यूज कर सकते हो। सिंपली मैं इसको निकाल देता हूँ, एक फ्यूज को मैं अंदर ही रहने देता हूँ क्योंकि अभी हमें सिर्फ एक फ्यूज का यूज होता है। तो आपको फ्यूज बेसिकली चार्जर के ऊपर के पॉइंट में डालना होता है, ये जो पॉइंट है इसके अंदर हमें सिंपली फ्यूज डालनी होती है। यस गाइस, आप देख सकते हो ये ऑन हो रही है। यस गाइस, फिर हम क्या करना है, इसको सिंपली निकाल देना है। पहले आप फ्यूज को डालेंगे और प्लस हम कैप भी लगा देंगे, फ्यूज का कैप लगा देंगे। यस गाइस, ये कुछ इसका कैप आया हुआ है, इस कैप को मैं लगा देता हूँ। यस गाइस, तो गाइस ये कुछ पूरा इस टॉर्च का कंप्लीट सेटअप हो चुका है। यस गाइस, ये कुछ एक वन चार्जर यहाँ पे फ्यूज भी मैंने लगा दी है, प्लस से स्टडी लैम्प को। यस गाइस, इसको हम बेसिकली लैम्प कहेंगे। यस गाइस, इसके ऊपर माइनस आठ की रनिंग आती है। बेसिकली इसके लिए कोई एक्सटर्नल अलग से बटन नहीं है, इसके लिए बटन नहीं है, जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी सिंपली आपको देखना है और इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। यस गाइस, ऑन हो चुकी है, रुको मैं मेरे को पहले जाकर दिखा देता हूँ। ऑन हो चुकी है, इसका देख सकते हो डायरेक्ट है, डायरेक्ट ऐसे ऑन होती है, टू इन ऑन होती है, ऐसे आप रख सकते हो अगर आपको करना है तो। और प्लस मैं अभी इसको निकाल देता हूँ। इसका अभी चार्जर को भी मैं निकाल देता हूँ, आपको मैं इसका थोड़ा सा नजदीक से व्यू दिखा देता हूँ। आती है और इसका कुछ पीछे का इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पे एंसलाइट नैनो प्लस मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, चार्जिंग इनपुट लिखा हुआ है, चार्जिंग इन लिखा हुआ है। यहाँ पे भी चार्जिंग के लिए एलईडी है, तो जो आप देख सकते हो मतलब नेक्स्ट लेवल टॉर्च 1 किलोमीटर का फोकस है। इसके बाद आपको इसकी प्राइस क्या है, अभी मैं इसके प्राइस के ऊपर आता हूँ। सुबह इसके बॉक्स के ऊपर तो एमआरपी लिखी हुई है 995, इसका लिखी हुई है 995 एमआरपी है। इसका एमआरपी है, तो अगर आपको अपने घर मंगवाना हो तो गाइस ऑफ कोर्स आप मंगवा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 955 में ये आपने घर मंगवाई एंसलाइट कंपनी की नैनो प्लस टॉर्च। यस गाइस, अगर आपको घर पे मंगवाना चाहो तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, इसका नेम ये ऑफिशियली एंसलाइट कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर है। यस गाइस, जो ऊपर दिए गए नंबर है ऊपर ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर है, प्लस उनका नेम आने वाला है इनके वेज द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक। क्या इनके वेज द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक, जल्दी से कॉल कीजिए, प्लस ए टॉर्च अपने घर में मंगवाइए। सो गाइस, होप आपको आज की शॉर्ट अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रह चुका है तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम नीचे दिए गए नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट कीजिए, अदरवाइज ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। आपको अगर फुल इन्फॉर्मेशन जानी है तो गाइस कमेंट में आपको डाउट पूछिए, अगर आपको डाउट है तो गाइस कमेंट में पूछिए, मेरी टीम आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई कर देगी। अगर आपको ऑर्डर कर रहा है तो गाइस ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए 9822091387 इनके वीएस द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक। सो आज के लिए बस इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड मेक श्योर टू वॉच रिलेटेड वीडियोस।